और अब बात देश में हिजाब विवाद पर छिड़े घमासान की। कर्नाटक से उपजे इस विवाद में एक ओर जहां आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी पहनूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। हिजाब विवाद में अब दंगल गर्ल अभिनेत्री ज़ायरा वसीम की भी एंट्री हो चुकी है। ज़ायरा ने अपने ट्वीट में लिखा है, हिजाब इस्लाम में विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो महिला हिजाब पहनती है वो उस दायित्व को निभा रही होती है जो उसे अल्लाह ने दिया है। लेकिन आइए पहले सुनते हैं आखिर ओवैसी ने क्या और किस अंदाज में कहा। तुमको मजोरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक पाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त